नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे ऑडिटिंग की, और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण में अंतर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण में अंतर क्या होता है, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें कुछ आधारों पर हम लोग जानेंगे कि कॉस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट में अंतर क्या होता है। पहला है उद्देश्य, यानी इन दोनों का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। लागत अंकेक्षण में व्यवसाय के लागत लेखों का सत्यापन किया जाता है, यानी लागत लेखांकन में उद्देश्य यह होता है कि व्यवसाय के लागत लेखों का सत्यापन किया जाता है। जबकि प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि करने से है, लेकिन जो प्रबंध अंकेक्षण होता है उसके द्वारा अंकेक्षक जो व्यक्ति आता है वह अंकेक्षण करके प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि कराने का प्रयास करता है। प्रबंध अंकेक्षण बाह्य पर्यावरण एवं कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध बनाने पर बल देता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रबंध अंकेक्षण होता है वह बाह्य पर्यावरण, यानी जो बाहरी पर्यावरण है, जो कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, और भी जो डिमांड आ रही है, जो कंज्यूमर्स हैं उनका, और जो कर्मचारी हैं बिजनेस के, इनके बीच समन्वय यानी अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करता है प्रबंध अंकेक्षण। तो ये बातें उद्देश्य के बेस पे हैं। दूसरा, जाँच यानी चेक। इसमें लागत लेखांकन खातों की जांच की जाती है, यानी लागत लेखांकन में लागत लेखांकन से संबंधित खातों की जांच की जाती है। जबकि प्रबंध अंकेक्षण में प्रबंधकों के क्रियाकलापों एवं संस्था के उद्देश्यों की जांच की जाती है, और जो प्रबंध अंकेक्षण होता है उसमें संस्था के जो भी प्रबंधक होते हैं उनकी क्रियाकलापों, यानी प्रबंधक यानी मैनेजर कौन कौन से काम कर रहे हैं उनके कार्यों की जांच की जाती है, और जो भी संस्था के उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की भी जाँच की जाती है। और यह देखा जाता है कि संस्था के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग, यानी संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा, योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस। लागत अंकेक्षण करने के लिए एक निर्धारित योग्यता वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत लेखापालों की आवश्यकता होती है, यानी लागत लेखांकन करने के लिए या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर लागत लेखापाल होना चाहिए इस कार्य के लिए। जबकि प्रबंध अंकेक्षण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर प्रबंध अंकेक्षण किया जा रहा है तो इस स्थिति में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति है जो प्रबंध एवं उसके नियंत्रण की अच्छी जानकारी रखता हो, प्रबंध अंकेक्षण कर सकता है। ये बात कही जा रही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रबंध की जानकारी रखता है और उसके नियंत्रण की जानकारी रखता है तो वह प्रबंध अंकेक्षण कर सकता है। चौथा, अनिवार्यता यानी नेसेसिटी। लागत लेखांकन सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग इस बात को अगर गहनता से समझते हैं तो लागत लेखांकन उन्हीं व्यवसायों में जरूरी होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। आगे कहा जा रहा है कि लागत लेखांकन के लिए उत्पादन में संलग्न व्यवसाय होने चाहिए, यानी ऐसे व्यवसाय जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वे व्यवसाय होने चाहिए लागत लेखांकन के लिए। ट्रेडिंग बिजनेस का हम लोग किसी भी तरीके से लागत लेखांकन यानी कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते, यह अनिवार्य एवं वैधानिक होता है। और जब कभी भी लागत लेखांकन होता है जो भी प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व कंपनियां हैं तो उनके लिए यह वैधानिक और अनिवार्य हो जाता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। और जो मैनेजमेंट ऑडिट है वह अनिवार्य नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जिस कंपनी को अपने मैनेजमेंट का चेकअप करना होगा किस तरीके से उसका मैनेजमेंट काम कर रहा है, उसके उद्देश्यों के अनुरूप उसके संस्था में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वही करवाएगा, और जिसको आवश्यकता नहीं होगा वह नहीं करवाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रबंध अंकेक्षण को ऐच्छिक यानी इच्छा के अनुसार करवाने की बात कही गई है। पांचवा, समय यानी पीरियड। लागत अंकेक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण की अवधि
निश्चित नहीं होती है। यहाँ पे ये बातें कही जा रही हैं समय यानी पीरियड के बारे में। छठवां, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। लागत अंकेक्षण में प्रतिवेदन देने का समय निर्धारित होता है। जब लागत अंकेक्षण होता है तो इसमें प्रतिवेदन देने का समय निर्धारित होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण में प्रतिवेदन देने का समय निर्धारित नहीं होता है। यह बात कही जा रही है और समझाई जा रही है। मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण में अंतर क्या होता है। यदि आपके पास अंकेक्षण से जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करें जिससे वे भी पढ़ सकें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।